हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप देख रहे थे आर्टमैन। तो गाइस, आज अपन कुछ टिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिससे कि आप जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपनी ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस, मेरी सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आप ड्राइंग स्टार्ट करते हो तो आप जो भी फोटो चूज कर रहे हो तो आपकी उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। आप उसको डायरेक्ट मत स्टार्ट करो, पहले आप देखो कि उसको आप बनाओगे कैसे, क्या टूल काम में लेने हैं, कि कैसे कैसे उसको स्टार्ट करना है। आप डायरेक्ट मत स्टार्ट करो, वरना अगर आगे आपकी उसको ऑब्जर्वेशन नहीं किया सही से तो क्या आपकी ड्राइंग आगे जाके बिगड़ सकती है और आपको फिर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ है ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए ड्राइंग के अंदर। तो गाइस, सेकंड टिप ये है कि आप जो भी ड्राइंग बना रहे हो उसके लिए टूल्स कौन से काम में ले रहे हो। एटलीस्ट आपके पास इसेंशियल टूल्स होने चाहिए जिसके जरिए आप अच्छी ड्राइंग बना सकते हो। कि जैसे कि आप पेंसिल्स कौन से काम में ले रहे हो, अगर आप प्रेफर्ड पेंसिल्स काम में ले रहे हो तो उसके अंदर आपके पास ग्रेड्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 2B, 3B, 4B, 6B इस टाइप की ग्रेड्स, ताकि आप लाइट टू डार्क लेयर पे काम कर सकें। रबर कौन सा काम में ले रहे हो, मोनोजीरो, इसेंशियल रबर, जैसे ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ड्राइंग में काफ़ी हेल्प करती है। डिटेल्स में काम करना है तो उसके अंदर काफ़ी हेल्प करती है। मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा भी आपको कि कैसे टूल्स को काम में लेते हैं, तो आपको ये सेकंड टिप ध्यान रखना है। और गाइज, अगर आपके पास ये टूल्स नहीं है या फिर आपको नहीं पता है तो मैं कुछ टूल्स हैं इसेंशियल टूल्स, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनको अच्छे से बाई कर सकते हो। आप ऑनलाइन जाके उसको उनको खरीद सकते हो, और अगर आपके सिटी में अगर अवेलेबल है तो वहाँ भी आप जाके उनको बाई कर सकते हो। वो इसेंशियल टूल्स हैं तो मैं आपको बता दूंगा उनके बारे में। तो गाइज, थर्ड और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको लाइट लेयर और लेयर मेथड पे काम करना पड़ेगा। मतलब कि आप शुरू में एकदम डार्क पेंसिल या फिर डार्क मत बनाओ लेयर को, क्योंकि फिर बाद में आप उसको वापस रिकवर नहीं कर सकते हो। मतलब कि आप अगर रबर से मिटाओगे तो निशान हो जाएगा उसके ऊपर। तो आपको करना क्या, पहले लाइट लेयर, फिर उसको ब्लेंड करना है, फिर उससे डार्क लेयर, फिर बाद में ब्लेंड करना है, फिर उससे डार्क लेयर, फिर ब्लेंड करना है। तो ऐसे क्या है, अगर आप मान लो बी पेंसिल, फिर 3B, फिर 4B, फिर 6B, अगर कहीं हाईलाइटेड एरिया है तो उसको हाईलाइट कर रहे हो रबर से। तो अगर ऐसे आप अगर प्रोसेस करते हो चलोगे ना, तो मैं गारंटी बताता हूँ कि आपकी ड्राइंग स्किल्स बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। और पेशेंस रखो कोई भी ड्राइंग बनाते टाइम, ऐसे नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 घंटे में बना दूंगा, मैं 2 घंटे में बना दूंगा। कि यार, आर्टिस्ट को ना रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने में बहुत दिन भी लग जाते हैं, 5-5, 7-7 दिन लगते हैं। तो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा यार कोई भी ड्राइंग बनाते टाइम। तो लेयर और लेयर मेथड पे काम करो और तब आपकी ड्राइंग स्किल्स बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। और गाइज, अगर आपको मेरी ड्राइंग्स देखनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है theartman100 नाम से, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो। उसके ऊपर जो भी मैंने ड्राइंग्स बनाई हुई, उसके ऊपर सबसे मेन है कि मैं कोई भी ड्राइंग बनाता हूँ उसमें कोई रटा रटा मेथड नहीं होता। मैं क्या पेशेंस से काम करता हूँ कोई भी ड्राइंग में, मैं बहुत धीरे धीरे उसको समझते हुए बनाता हूँ, तब मेरी ड्राइंग एकदम रियलिस्टिक बनती है। आप जाके चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइज, ये मेरी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स कंप्लीट हो गई है। तो गाइज, आप डेली ड्राइंग की प्रैक्टिस करते रहना और जो मैंने टिप्स बताई है उनको फॉलो करना, तो आपकी ड्राइंग स्किल्स बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय।